टासना टोल टैक्स पर व्यापारियों ने कब्जा कर लिया है। बड़ी खबरें आपको बता रही हैं, सभी गाड़ियों को बिना टोल दिए निकाला जा रहा है। टोल को फ्री करने की मांग के साथ यहां पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया गया है। बिना टोल टैक्स दिए गाड़ियों को निकाला जा रहा है यहां से। टासना टोल वे पर व्यापारियों ने कब्जा कर लिया है। टोल टैक्स फ्री करने की मांग को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बिना टोल टैक्स दिए गाड़ियों को रवाना यहाँ से किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। टोल टैक्स वसूलने को लेकर यहां पर ये लोग विरोध कर रहे हैं और सभी गाड़ियों को यहां पर बिना टोल दिए ही निकाला जा रहा है, रवाना किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे संवाददाता शक्ति का। शक्ति, डीएनडी को टोल फ्री कर दिया गया है, अब डासना में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी टोल को फ्री करने की मांग की जा रही है। डीएनडी को टोल मुक्त किया गया, वहीं जो गाजियाबाद के जो व्यापारी संगठन है वो सब सामने आ गए हैं। उन्होंने आज डासना टोल टैक्स पे पहुंचे, कब्जा किया और सभी गाड़ियों को वहां से निकाला जा रहा है बिना टोल टैक्स के। मैं आपको एक बात और बता दूं कि इसमें डासना टोल टैक्स की जो अवधि थी वह 2011 तक खत्म होने की थी, उसके बाद ये अवैध तरीके से वसूला जा रहा, ऐसा व्यापारियों का कहना है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर एक आवाज तेज हो गई है। पहले डीएनडी जो टोल मुक्त किया गया है, उसके बाद आज गाजियाबाद में ये तस्वीरें सामने आई हैं कि जो व्यापारी हैं, व्यापारियों ने डासना टोल टैक्स पर कब्जा कर लिया है। जी बिल्कुल, कब तक ये लोग धरना प्रदर्शन करेंगे यहाँ पर? ये देखिए, इनका जो आज बड़े शांतिपूर्वक तरीके से उन्होंने ये साफ चेता दिया है कि हमने आज टोल टैक्स मुक्त कराया है और एक ज्ञापन सौंपा जा रहा है एसडीएम गाजियाबाद को। उसके बाद इनका कहना है कि अगर ये इस महीने तक अगर ये टोल हटाया नहीं जाता तो यहाँ अनिश्चितकालीन धरना भी चलेगा और प्रदर्शन लगातार होंगे। जी शक्ति, आज जिस तरह से गाड़ियों को यहाँ पर बिना टोल दिए निकाला गया है यहाँ से, कितना नुकसान यहाँ पर टोल कर्मियों को यहाँ पर हो रहा है, एजेंसी को हो रहा है? देखिए, बिल्कुल लाखों रुपए का टोल टैक्स है यहाँ से। एक NH24 है, काफी भारी मात्रा में बड़े वाहन और छोटे वाहन यहाँ से गुजरते हैं, काफी संख्या में यहाँ से वाहन गुजरते हैं। लाखों रुपए का अनुमान है अब तक लगाया जा चुका है कि नुकसान हो चुका। वहीं व्यापारियों का साफ कहना है कि जब 2011 तक इसकी अवधि थी कि टोल 2011 के बाद इसे टोल मुक्त कर दिया जाएगा, उसके बाद आखिर टोल वसूला क्यों जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो डासना टोलवे पर व्यापारियों का प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिना टोल दिए ही यहां से गाड़ियों को रवाना किया गया है, व्यापारी यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। व्यापारियों के मुताबिक 2011 तक यहां पर टोल वसूलने की मियाद थी जो कि खत्म हो गई है और यहां पर अवैध तरीके से टोल वसूला जा रहा है, जिसका ये लोग विरोध कर रही है।